आ गया हूँ एप्पल का सर्विस सेंटर में। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरा एक और न्यू ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग का शुरुआत कर रहा हूँ मैं भुवनेश्वर से, ओडिशा का कैपिटल भुवनेश्वर से। पिछला वीडियो आप अगर देखे होंगे तो मैं बालेश्वर से भुवनेश्वर आया मेमू पैसेंजर से। बाकी फिलहाल मैं अभी हूँ विजन केयर आई हॉस्पिटल में। पापा को थोड़ा सा आँख का थोड़ा सा प्रॉब्लम है और वो दिखाने के लिए, बाकी एक और काम के लिए भी आया हूँ, वो आपको बाद में बताता हूँ। बाकी ये कुछ हॉस्पिटल, बाकी ये देख सकते हैं विजन केयर हॉस्पिटल, ये कुछ हॉस्पिटल का आसपास का नज़ारा देख सकते हैं। थोड़ा सा भुवनेश्वर सिटी से आउटसाइड है, इस यहाँ का एड्रेस आप देख सकते हैं, ये वाला एड्रेस है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मेरा आईफोन का थोड़ा सा प्रॉब्लम है कैमरा में, और थोड़ा सा जा रहा हूँ आईफोन का केयर में, एप्पल केयर में। और अभी रैपिडो बुक कर दिया था, अभी आगे रैपिडो से जा रहे हैं। रैपिडो तो यहाँ पर छोड़ के चला गया है, अभी यहाँ से दिखा रहा है 350 मीटर, ताकि चल के जा रहा हूँ लोकेशन देख के। ये कुछ शहीद नगर इलाका, ताकि ये देख सकते हैं और भी 300 मीटर है, चलते हैं लोकेशन देखकर। तो अभी मैं रूपाली स्क्वायर के पास पहुँच चुका हूँ। बाकी ये सामने एक मॉल देख सकते हैं, मालाबार बिल्डिंग, मालाबार गोल्ड एंड डायमंड, और यहाँ पर ब्लैकबेरी का शोरूम भी है। ताकि चलते हैं, आगे फ़ोन किया था, कहाँ पर है देखते हैं आईफोन केयर। पापा को अभी हॉस्पिटल में बैठा के आया हूँ, क्योंकि डॉक्टर आएंगे 4 बजे, बाकी उतना टाइम में मेरा काम भी ख़त्म कर दूंगा। देखते हैं, अगर वारंटी तो है और इंश्योरेंस भी किया हूँ, अगर कर देंगे तो अच्छा बात है। मैं आगे आ गया था, वो जो मालाबार और ब्लैकबेरी का शोरूम दिखाया था उसी के अंदर ही है, फ़ोन किया था अभी। ये रहा ब्लैकबेरी का शोरूम, उसी के अंदर अभी जाना होगा। बाकी ये एक मॉल है, आप देख सकते हैं पूरा मॉल। बाकी ब्लैकबेरी हमारे शोरूम में भी तो है, चलते हैं अंदर देखते हैं। वारंटी तो है, अगर कर देंगे तो बहुत अच्छा है। ऐसे आप देख सकते हैं भुवनेश्वर सिटी का रूपाली छक का नज़ारा, रूपाली स्क्वायर सॉरी, क्योंकि उड़िया में छक ही बोलते हैं। तो फाइनली मुझे मिल गया एप्पल का सर्विस सेंटर, क्योंकि मैं चला गया था ऊपर, चलते हैं। अभी मैं आ गया हूँ एप्पल का सर्विस सेंटर में, थोड़ा सा बैठने के लिए बोल रहे हैं, उसके बाद बुलाएंगे। अभी एप्पल स्टोर में होकर आया, लेकिन वो लोग बोल रहे हैं मेरा जो कैमरा में एक डॉट आ गया है, वो लोग बोल रहे हैं अगर इसको इंश्योरेंस वारंटी में क्लेम नहीं होता है, मेरा इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस में क्लेम करने के लिए भी 8,900 रुपया अभी लगेगा, और बेंगलोर भेजेंगे 4-5 दिन के बाद मोबाइल आपको मिलेगा, वो भी कुछ ठीक नहीं है। अगर लेंस का प्रॉब्लम रहेगा तो 22,000-23,000 खर्चा होगा। तो अभी मैं किया नहीं, बाकी चलते अभी हॉस्पिटल में, वहाँ पर भी क्या इशू हो गया है। अभी पापा बैठे हुए थे, वो डायरेक्ट आके बोल रहे हैं अभी 3,500 दीजिए, टेस्ट होगा उसके बाद डॉक्टर देखेंगे। ये कौन सा नियम है मुझे नहीं पता, ताकि डॉक्टर देखेंगे उसके बाद वो टेस्ट लिखते हैं क्या क्या टेस्ट होगा, उससे पहले टेस्ट क्या पता क्या है। बाकी चलते हैं अभी हॉस्पिटल में, पहले यहाँ से रैपिडो बुक कर लेते हैं। तो मैंने अभी रैपिडो बुक कर लिया, अभी आ रहा है, देख सकते हैं आ गया शायद, अभी फ़ोन करेगा। वो जी भी चौंदो का हमार विजन केयर हॉस्पिटल में, मेरा रैपिडो में प्राइस दिखा रहा था 85, वो बोल रहे हैं देख के थोड़ा सा देना, क्योंकि हम लोग तो ऐसे ही चलते हैं, आइए कोई बात नहीं, उसके बाद देखते हैं। हमारे रैपिड हो गए यहाँ पर, फ्यूल डल है, ताकि यहाँ से अभी चलते। हम लोग प्रॉपर एड्रेस थोड़ा सा देख रहे हैं, वो पूछ रहे हैं, ताकि सामने आप देख सकते हैं पाल लाइट्स मॉल है, और बाकी ऊपर ये स्काई वॉक बना हुआ है, ताकि पूरा पट्टिया इलाका शायद ये होगा। हमारा विजन केयर हॉस्पिटल में जितना भी सब काम था सब खत्म कर लिए, अभी जा रहे हैं भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन की तरफ, अपने घर बालासोर की तरफ। ताकि ये था कुछ आज का वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरे वीडियो पसंद आया तो सबके साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए,
और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं मेरा नेक्स्ट वीडियो में। चलो थैंक यू, बाय।